नमस्कार, मैं अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिनको आप लोग सभी जानते हैं, और मैं इन शख्स के पास जा रहा हूं। ये हमारे पप्पू प्रधान जी हैं, और आप सभी लोग इनको जानते हैं, इनको परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने चाहे प्याज का भाव कम होने की रिपोर्ट बताई या कुछ भी बताया, अगर किसान ज़्यादा प्याज लगाता तो ज़्यादा ख़राब होती। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो अभी स्थिति चल रही है, प्याज खराब हो रही है, इसमें अब आपका किसान सहयोग मांग रहे हैं, तो आप क्या सहयोग कर सकते हैं इसमें? राजस्थान में अलवर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में नई प्याज निकलती है, और पूरे हिंदुस्तान में इस प्याज को खैरतल की प्याज के नाम से जाना जाता है। और ये प्याज जब निकलती है तब सर्दियों का टाइम होता है, उस सर्दी के टाइम में रात को ठंड होती है और दिन में धूप होती है, तो हमारा प्याज जर्मिनेशन बहुत जल्दी दे देता है। तो ज्यादा स्टॉक के प्याज करनी है, तुरंत खेत से निकलता है, मंडी आता है, बिकता है, कंजप्शन हो जाता है। पिछले 2 सालों से हमारे यहाँ के किसानों को बहुत अच्छा पैसा मिला, जिससे हमारा किसान बड़ा प्रसन्नचित मुद्रा में था। उसको देखते हुए हमारे इस बार एरिया में बहुत ज्यादा प्याज लगी, रकबा बहुत बढ़ा, और हमारे यहाँ जो रकबा बढ़ा उसमें कुछ किसानों ने प्याज को बहुत जल्दी लगा दिया, और जल्दी लगाने के साथ साथ मौसम ने भी साथ नहीं दिया। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया था किसानों से कि इस बार बहुत ज्यादा तेजी रहने की उम्मीद नहीं है, आम भाव रहेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा लोग प्याज की तरफ ध्यान नहीं दे। हुआ उल्टा कि फसल तो लगी बहुत ज्यादा और रोग आ गया, और रोग ऐसा खतरनाक आ गया जिसकी अभी तक कोई दवा नहीं हो रही है, और उससे हमारा किसान दिन प्रतिदिन बड़ा पीड़ित है और किसान को बहुत नुकसान हो रहा है। अभी तक 20-25% 30% का नुकसान है, अगर मौसम नहीं खुला तो 50% तक भी नुकसान जा सकता है। अगर ये 50% नुकसान जाता है तो हमारा यहाँ का एरिया का किसान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और उस नुकसान की भरपाई कैसे हो इस बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। चौपालों पर हम चर्चा करेंगे, सरकार से हम मांग करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर किसानों का एक फसल बीमा होता है, उस फसल बीमे के अंदर रोग से भी कोई फसल खराब होती है तो उसका पैसा भी बीमा कंपनी देती है, लेकिन हम उसके ऊपर कभी चर्चा नहीं करते हैं। वैसे मेरा मुख्य काम आढ़त का है, लेकिन मैं किसान का बेटा भी हूं। मैंने मन बनाया है कि अगले सोमवार से मैं क्षेत्र में घूमूंगा, किसानों से चर्चा करूंगा, और आवश्यकता पड़ी तो एक बड़ा आंदोलन करके और सरकार से किसानों की इस फसल पे जो नुकसान हुआ है, जिन लोगों को जितना नुकसान हुआ है उतना मुआवजा उन्हें मिले, उनको मुनाफा मिले वो अलग बात है, लेकिन उनकी लागत में जो उन्हें नुकसान हुआ है कम से कम वो पैसा सरकार की तरफ से मिले। इसके लिए मेरा ये मन है, मैं क्षेत्र के मौजूदा किसानों से बात करूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा, सरकार के प्रतिनिधियों से बात करूंगा, और बहुत जल्दी ही हम इसका एक आंदोलन का रूप देंगे जिससे हमारी हुई फसल का लाभ किसानों को मिल सके। हाँ, तो गरीब किसान जो बिल्कुल ही कर्जा लेके, जिन्होंने अब की बार प्याज बोया, प्याज का बीज भी बहुत महंगा था, तो इससे भी मतलब उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, तो अगर ये मदद ना मिली तो जैसे नासिक के किसान आत्महत्या तक करते हैं, तो ये अलवर की स्थिति ना बन जाए। तो इसलिए मैं भी ये चाहता हूँ कि आप लोग पूरे सहयोग करें, और मैं अलवर के किसी भी किसान को आत्महत्या नहीं करने दूंगा, उसके लिए चाहे मुझे किसी भी तरह की लड़ाई लड़नी पड़े मैं किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं पुनः कह रहा हूं, इस बार प्याज में बहुत बड़ा रोग होने की वजह से प्याज अब भी कोई बहुत आसमान छूने की स्थिति पर नहीं है। जिन लोगों ने 7,000 रुपये क्विंटल का बीज लगाया है उनका 70,000 रुपया 60,000 रुपया एक बीघे पर खत्म हो गया, और उनसे मेरा पुनः निवेदन है कि फिर दोबारा प्याज की तरफ बहुत तेजी से ना भागे। फसल में और बहुत फसल है जिनके फसल के माध्यम से आपका जीवन आप उपार्जन हो सकता है, जिनके पास गुंजाइश है वही प्याज की फसल लगाए, अन्यथा सरसों के भाव भी अच्छे रहे, अन्य जिनसों के भाव भी अच्छे रहे, और बहुत ज्यादा खाता हुआ आदमी मर जाता है, थोड़ा खाता हुआ नहीं मरता है। अब आवश्यकता है संघर्ष करके सरकार से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए। धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इसमें।